आओ आओ मेरी आओ तादा जो है आ जाओ आओ आओ कहाँ थे तुम ज्यादा देर मुझसे दूर ना रहना क्योंकि हो रही है बहुत मजे की बातें विद द वन एंड ओनली हीरा मानी लिप सिंक बैटल में हीरा जी ने नूर जहां जी भी कहती होंगी क्या बात है मेरे पाकिस्तान में मेरे बाद टैलेंटेड लोग हैं जो कि आप लोग तो देख ही सकते हैं और लिप सिंक मुझे लगता है कि लिप सिंक जो है ना वो अभी 99% सिंगर लिप सिंक ही कर रहे होते हैं ये आपने बात ठीक किया इस मुल्क में बात मैंने गलत क्या किया आज तक ये बताओ वो गलत बात तो आज बता दो मोमेंट आज बताओ यार क्या बात क्योंकि मुझे मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि अगर आसमान छूना है ना तो पांव जमीन पे रखने पड़ेंगे हीरा मानी आपने नोटिस किया है कि मैं अक्सर बहुत इंजॉय भी करूं तो मैं ऐसे नहीं करता पांव जमीन पर रखने चाहिए ब्रेन मसाला गेम की तरफ चलते हैं इसमें हम कुछ आपसे बड़ी फारिक किस्म के सवाल पूछेंगे और हम आपसे बड़ी फारिक किस्म के जवाब भी एक्सपेक्ट करेंगे कौन सी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कहानियां होती हैं फोर्थ फ्लोर वाली बिल्डिंग पे वो क्यों क्योंकि उस घर से अक्सर आवाजें आती हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं कहां हूं मैं कौन हूं ये शो किधर किस मुल्क में हो रहा है अ लाइब्रेरी आगे की तरफ चलते हैं वो कौन सी चीज है हीरा जी जो टी से स्टार्ट होती है खत्म भी टी पर होती है और उसके अंदर भी टी होती है हाँ चाय खत्म तो टी पे नहीं होती पेट में खत्म होती है लेकिन वो फिर चीज क्या है टीपॉट मैं तुम्हारे शो को लिखना चाहती हूँ मुझे पता है मुझे भी जरूरत है इस सेगमेंट को मैं तुम्हें लिख के दूंगी तो ये कितना सेगमेंट ही नहीं रहेगा मैथ्स नहीं कोई मैथ्स नहीं मैथ्स अच्छा मैथ्स की किताब दुखी क्यों होती है मेरे मैथ्स की क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स होती है अरे क्या बात सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग जिंदगी किसकी है जो जिंदगी गुजार रहा है एग्जॉस्ट फैश मेरी कैर मेरी कैर मेरी कैर क्या बात है सीरियस सवाल वैसे हमने सीरियसनेस की तरफ जाना नहीं अच्छा नहीं कर लो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ होस्ट को मुझे होता है कि होस्ट को ऐसे नहीं मुझे सपोर्ट करना होता है मैं कहती हूँ आपको सपोर्ट करना चाहिए उसका शो बड़ा करना चाहिए खुदा करे जितने भी गेस्ट आए वो जरा खुल जाया करें क्या बात है वो ऐसा... शो पे गेस्ट ऐसे बन जाते हैं जैसे वो पता नहीं कौन है वो नहीं है नहीं है और वो आप मत बने प्लीज अभी हम बात कर रहे थे कि इनका बेटा मुजम्मिल है ना इन्होंने कहा कि मैंने उसकी शादी बहुत जल्दी कर देनी है ये बिल्कुल अभी ये मतलब ये बस अभी 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 इसके पीछे कितनी मजे की बात इन्होंने की है कि लेकिन मुजम्मिल ने मुझे सख्ती से मना किया कि आप अपने किसी भी शो पे मेरा जिक्र नहीं करेंगे तो तुम काट देना वो मुझसे कहा मैं आपको सू कर दूंगा मुजम्मिल इस शो में तुम्हारी कोई बात नहीं हो प्राइवेट इब्राहिम की करते हैं बातें इब्राहिम की हम बातें करते हैं इब्राहिम की शादी कब करना चाहते नहीं अच्छा मुझे समझ नहीं आती एक बार कि जब मैं किसी शो पे आती हूँ वो शो शादी से शुरू होता है शादी पे भाई 14 साल हो गए मेरी शादी को छोड़ दें यार इनकी शादी की बातें होगी अब इनके बेटों की शादी पे डिस्कशन करो डिस्कशन नहीं शादी पे कोई डिस्कशन नहीं होगा छोड़ दो शादियाँ छोड़ दो मानी से शादी करने के लिए आंटी कैसे मानी पाकिस्तानी ड्रामों पे बात करना चाहूंगा ओह ग्रेट आई लाइक इट ड्रामों में ये जो औरत को मजलूम दिखाने का एक ट्रेंड बन चुका है हाँ. ये कब खत्म होगा क्या ये कमर्शियली चलता है इसलिए व्हाट डू यू थिंक भाई देखिए मैंने जितने भी ड्रामे किए ना जिसमें बहुत मैं हक सच की बात करती हूँ ड्रामा नहीं देखते लोग लेकिन वो ड्रामा जरूर देखते हैं जब मैं किसी मजलूम होती है पूरी बात बर्दाश्त करी होती हूँ अपने शौहर का अफेयर बर्दाश्त करी होती हूँ सास का बुरा बिहेवियर बर्दाश्त वो लोग ड्रामा देखते हैं अवाम ही चूज करती है कि वो आपको कैसा देखना पसंद करती है स्टार से भी लोग मोहब्बत करते हैं उनको उस रियलिटी में फिट करते हैं और जब वो उस रियलिटी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते फिर वो दुखी हो जाते हैं हाँ एग्जैक्टली क्या करें इनका तो कुछ भी नहीं बस ये ऐसे ही है हमारी प्यारी सी अवाम है हमें इनसे बहुत प्यार है और इनसे प्यार है और पसंदी के लिए काम करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं इसमें मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा ठीक है और आपने कोई ऐसे गाने गाने हैं क्योंकि माशाल्लाह यू आर एन अमेजिंग सिंगर तो आज हम चाहेंगे कि आपका जो एक टैलेंट है सिंगिंग का वो भी हम देख लें और हम आपकी इंटेलिजेंस भी देख लें कि आप कितनी जल्दी एक वर्ड के थ्रू एक गाना पिक कर सकती हैं पहला गाना
ऑडियंस की तरफ फेस होगा। पहला गाना, पहला गाना चलते हैं हम। पहला वर्ड दीवाने। डिस्को दीवाने, आहा आहा, ओ डिस्को दीवाने, आहा आहा, हमारी आवाज मोहब्बत का साथ, नाचे सितारों के साथ, चंचल बदन महकती अगन, नाचे गाए सा। अरे यार क्या बात है, ये आपका टैलेंट दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि यू नॉट जस्ट एन एक्टर, यू आर एन एक्टर, यू आर अ सिंगर, यू आर अ ग्रेट मदर, यू आई थिंक यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड एट द सेम टाइम जो शायद दुनिया को ना पता हो, यू आर अ स्कॉलर ऑल्सो। आपकी हर बात में एक मैसेज है, आपका एक विजन है अपने लिए, इस दुनिया के लिए। मुझे क्यों सलमान खान लग रहे हो तुम? अंगल दे चुके सनम वाला। ओ ओ जाने जाना, हूँ मैं तुझे दीवान। आप भी करीना लग रही है वैसे। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ मैं कुछ सेलिब्रिटीज का नाम लूंगा और हम सुनना चाहेंगे हिरामानी की जुबानी कि अगर ये एक्टर्स ना होते या ये जो भी कर रहे हैं, अगर वो ना कर रहे होते तो उनका प्रोफेशन क्या होता? ये वैसे मोमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, ये है ना, लगता है कि मतलब कोई बुरा ना मान जाए। जानी का देखो, हिराना दिल की बहुत अच्छी है, तुमने कोई भी हिरा की बात दिल पे नहीं लेनी, अगर तुम किसी और वो प्रोफेशन में आप लोगों को फिट कर भी रही है ना। आ यार अड्डी केड़ी गल है, कह दिया हीरा जी ने कि अगर तुम एक्टर ना होते, तुम कुछ और होते, तो इसमें ऐसी हर बात का ना मुंह नहीं बना लिया करो, छोटी जिंदगी रिलैक्स हो। पहला फहद मुस्तफा, पेंटर टाइप नहीं, स्कूल में पिकासो क्या कहते हैं, आर्ट टीचर। हाँ ओ मानी जास, घर के बड़े, घर के बड़े होते। हाँ अभी नहीं है अपने घर के बड़े? नहीं अभी भी हैं। तो फिर घर के बड़े नहीं होते जो प्रोफेशन में, घर के बड़े होते हैं बस। हाँ मावरा हुसैन लॉयर होती, लॉयर होती, तो लॉयर तो है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। बिलाल अब्बास। हाँ बैंकर, बैंक के बाहर नहीं, मैं अक्सर गुजर गार्ड होते फुल सूटेड बूटेड टाइप, उस तरह के आए आप हमारे यहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं जो। हाँ उस तरह की होगा। आप माशाल्लाह इतनी प्यारी आज लग रही हैं, इसमें खुद इंसान का कितना हाथ होता है और टीम का कितना? टीम का ही हाथ होता है, तो टीम को क्रेडिट जाता है इसका। हालांकि हमने लाइव देखा है कि अपने बाल आपने खुद बंद किए, लेकिन फिर भी क्रेडिट टीम को दिया। अली जफर थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट। ओ ओ ओ अली भाई गुड साइड बिजनेस। हुमायूं साइड गांव में पट्टे नहीं चला रहे होते, वो पूरे तरह हाँ टाइप से है ना, जट बिजनेसमैन, दूध का काम होता है उनका। हुमायूं भाई हाँ ऐसी पर्सनैलिटी है उनकी, काफी रोब वाली, तो वो जब एंटर होते तो लगता है कि कोई वाकई स्टार आया है। हाँ ये बात है, मैं सुन के स्टार स्ट्रक हो गया। मिले भी हो तुमको? नहीं नहीं मैं अभी, उन्होंने हमारा शो किया। माहिरा खान, माहिरा खान डिजाइनर, डिजाइनर एम बाय माहिरा, एम बाय माहिरा। यस मैं भी शायद डेंटिस्ट। ये आपने टॉन्ट किया? नहीं क्यों, मुझे लगता है डॉक्टर टाइप पर्सनैलिटी है उनकी। डन है, ट्रू और फॉल्स की गेम की तरफ हम आएंगे। मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ। हाँ मैं शादी कर चुकी हूँ मन से। अरे यार मेरे सच्चे दोस्त इंडस्ट्री में नहीं है। हैं? फॉल्स। अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक है। हाँ मुझे सेट पर जो भी कपड़े मिलते हैं मैं वापस नहीं करती। फॉल्स। ठीक है, मैं काम से पहले सारी पेमेंट क्लियर करवाती। पता नहीं मैं चाह रही हूँ कुछ, मैं भी अपना रिकॉल करूँ होस्ट वाला टाइम। आज हमारे शो पे आए जी मोमिन साकिब, बहुत सारी तालियों में मोमिन साकिब। थैंक यू हीरा जी।